नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव ब्लॉग्स एंड स्टॉक्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता है, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया, तो एजुकेशन पर्पज़ पर ही लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,225 करोड़ का है, 2 का फेस वैल्यू है, EPS 80.58 का EPS है, PE 23.52 का PE है और सेक्टर पी 32.30 का सेक्टर पी है, बुक वैल्यू 1426 का बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज अभी डैश से अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन तो अच्छा ही नज़र आ रहा है। इसके चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर शेयर मार्केट में नए हो और अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2022 और दिसंबर 2021 का डेटा। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दोनों ही क्वार्टर में सेम है, 43.49% शेयर प्रमोटर्स के पास है, यानी मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही है। आपको तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में और प्लस सर भी 0-0 दोनों ही क्वार्टर में, तो ये पॉजिटिव पॉइंट की प्लस सर 0-0 यानी प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर, इनकी जो होल्डिंग है दिसंबर 2021 में 35.31% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास थे, वही मार्च 2022 में 35.03% शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। दूसरे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनकी जो होल्डिंग है दिसंबर 2021 में 1.56% शेयर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास थे, वही मार्च 2022 में 2.18% शेयर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है। अदर्स के होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2021 में 13.03% शेयर अदर्स के पास थे, वही मार्च 2022 में 13.04% शेयर जो अदर्स के पास है। तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा शेयर सर प्लस शेयर 0-0, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंपनी, इन दोनों ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट बनता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न फिर अच्छा ही मानेंगे, वैल्यूएशन भी अच्छा ही था। इसके चलिए चलते इसके लास्ट थ्री क्वार्टर का जो रिजल्ट था, रिजल्ट मैं आप लोग दिखा देता हूँ। तो लास्ट थ्री क्वार्टर के रिजल्ट में मार्च 2022, दिसंबर 2021 और सेप्टेम्बर 2021 का रहता है। तो सबसे पहले सेल्स देखते, तो सेल्स सेप्टेम्बर 2021 में 515 करोड़ का सेल्स था, वहीं दिसंबर 2021 में 623 करोड़ का सेल्स था। तो सितंबर से दिसंबर में सेल्स इंक्रीज हुआ था, नहीं बढ़ा था। और मार्च 2022 का जो सेल्स था 573 करोड़ का सेल्स था, तो ये डिक्रीज हुआ सितंबर से और दिसंबर से, लेकिन सितंबर से इंक्रीज हुआ मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट सेल्स। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि कंपनी क्वार्टर बाई क्वार्टर सेल्स इंक्रीज करे, तभी कंपनी के लिए अच्छा होगा। नेट प्रॉफिट देखते सबसे नीचे सबसे बॉटम में, तो नेट प्रॉफिट सितंबर 2021 में 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं दिसंबर 2021 में 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो सितंबर से दिसंबर में नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, जैसे कि सेल्स इंक्रीज हुआ था। और मार्च 2022 का जो नेट प्रॉफिट था 316 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। दिसंबर 2021 के क्वार्टर से मार्च 2022 के क्वार्टर का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन सेल्स डिक्रीज हुआ था। तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुई अच्छी बात है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ इस क्वार्टर में, यानी तो आप क्वार्टर बाय क्वार्टर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है लास्ट थ्री क्वार्टर्स, तो बहुत अच्छी बात है। इसका चले चलते इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट पर मार्च 2022 और मार्च 2021 का रेट था। सबसे पहले टोटल शेयर कैपिटल की बात करते, तो टोटल शेयर कैपिटल दोनों ही आप देख सकते हो, मार्च 2021 में 45.11 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल था, मार्च 2022 में 47.73 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है। नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2021 में 21,656.39 करोड़ का नेटवर्थ था, वही मार्च 2022 में 23,121.53 करोड़ का नेटवर्थ है। टोटल डेट देखते हैं कंपनी का और कर्जा कितना, तो टोटल डेट मार्च 2021 में 7,389.02 करोड़ का टोटल डेट था, नहीं कर्जा था, वही मार्च 2022 में 5,847.13 करोड़ का टोटल डेट, नहीं कर्जा है। तो आप देखो कंपनी को तो टोटल डेट है, नहीं कर्जा है, कंपनी अपना कर्जा रिड्यूस कर रही है यानी कम कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, धीरे धीरे कंपनी जरूर डेट फ्री वगैरह अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि कंपनी को अगर कर्जा ना देना पड़ता जितना उतना पैसा अपने ग्रोथ पर लगा पाएगी। इसका चलिए चलते इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आज 31 मई है और आज का मार्केट अभी क्लोज हो चुका, तो आज स्टॉक 1,890.50 रुपये पे क्लोज हुआ है, 113.15 रुपये ऊपर जाके बंद, 6.37% आज स्टॉक ने जंप लगाया, यानी 6.37% आज स्टॉक ऊपर जाके क्लोज हुआ है।
पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखते तो पिछले 5 दिन में पॉजिटिव रिटर्न रहा है, 2.64% का पॉजिटिव रिटर्न है, 2.64% का पॉजिटिव रिटर्न है और 48.65 रुपये पिछले 5 दिन में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले एक महीने की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है, पिछले एक महीने में 11.2% का नेगेटिव रिटर्न है, 11.2% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले एक महीने का और 239.30 रुपये पिछले एक महीने में स्टॉक नीचे गया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो ये भी नेगेटिव रिटर्न है, 23.67% का नेगेटिव रिटर्न है, 23.67% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले 6 महीने का और 586.35 रुपये पिछले 6 महीने में स्टॉक नीचे गया है। ईयर टू डेट देखते तो ईयर टू डेट में भी नेगेटिव रिटर्न है, 29.59% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी 29.59% का नेगेटिव रिटर्न है, 794.60 रुपये स्टॉक नीचे गया ईयर टू डेट में। पिछले एक साल का डेटा देखते तो ये पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले एक साल में 5.21% का पॉजिटिव रिटर्न है, 5.21% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले एक साल का है और 93.55 रुपये पिछले एक साल में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले 5 साल की बात करें तो ये नेगेटिव रिटर्न है, 30.85% का नेगेटिव रिटर्न है, 30.85% का नेगेटिव रिटर्न है, 843.27 रुपये पिछले 5 साल में स्टॉक नीचे गया है। मैक्सिमम चार्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नज़र आ रहा है। 2002 से 2022 तक का चार्ट आपके सामने, लगभग 20 साल का चार्ट है ये, इन 20 सालों में 3,553.85% का ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी 3,553.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया तो अच्छा रिटर्न ही मानेंगे और 1,838.76 रुपये इन 20 सालों में स्टॉक ऊपर गया है। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, एक ही ट्रेंड में स्टॉक ऊपर गया लेकिन यहाँ के थोड़ा वॉलेटाइल आउट होकर फिर काफ़ी ज़्यादा डीप चला गया और फिर से स्टॉक ऊपर जाके फिर नीचे गया, तो यहाँ के थोड़ा वॉलेटाइल हो गया, इस वजह से रिस्केबल माना जाएगा इसका। चले चलता है NSE को ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाकी जानकारी वहाँ पर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हो 31 मई 4 बजे तक का रेट है, आज का 4 बजे तक का रेट है और क्लोजिंग प्राइस बता चुका हूँ, 1,890.50 रुपये का है। प्रीवियस क्लोज होता है 1,777.35 रुपये का था, आज ओपन जो होता है 1,767 रुपये पर हुआ था और आज का हाई जो लगा था वो 1,908.55 रुपये का लगा था, लो जो लगा था 1,734.75 रुपये का लगा था और क्लोज एडजस्टेड प्राइस 1,894.95 रुपये का है। 52 वीक हाई 52 वीक लो की बात करते हैं तो 52 वीक हाई आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा जो कि 3,014.95 रुपये का है, 7 अक्टूबर 2021 का 52 वीक हाई लगा था। 52 वीक लो की बात करें 1,586 रुपये का जो कि 27 मई 2022 को लगा था। सिक्योरिटी बाई डिलीवरी पोजिशन देखते हैं, डिलीवरी डेटा देखते तो डिलीवरी डेटा में यहाँ पर आप देख सकते 31 मई यानी आज का 4 बजे तक का डेटा, तो आज टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है वो 28,12,912 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई है, यानी 28,12,912 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई है। उसमें जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 9,34,937 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी हुई है, यानी 9,34,937 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी हुई है। डिलीवरल परसेंटेज जो निकल गया 33.24 यानी 33.24% की डिलीवरी, 20% से ज़्यादा की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है, तो उससे ज़्यादा ही डिलीवरी तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं इसने जो डिविडेंड दिया वो कब दिया कितना दिया ये भी मैं आप लोग बता देता हूँ। तो इसने जो लास्ट डिविडेंड दिया 6 जुलाई 2021 को दिया था, 33 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 16 जुलाई 2020 को इसने 14 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 30 दिसंबर 2019 को इसने राइट इशू किए थे, आप देख सकते हो 11:83 एट प्रीमियम 1,298 रुपये पर इन्होंने राइट इशू किए थे और 18 जुलाई 2019 को 28 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 19 जुलाई 2018 को 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। तो ये थे इसने जो लास्ट 4 डिविडेंड दिए थे, कब दिए थे कितना दिए थे बता चुका हूँ और एक बार जो राइट इश्यू किया था वो कब किया था ये भी मैं आप लोग बता चुका हूँ और इसी स्टॉक के जितनी भी जानकारी मेरे पास थे मैंने आप लोगों को दे दिया। लास्ट में डिसीजन आपको लेना है कि आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक को इग्नोर करना है। लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग देखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते, प्लीज पहले सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपके क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके जरूर प्लान करूँगा, आपका सजेशन चैनल को लेकर कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। आई होप तो सब्सक्राइब कर देगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।